भूपेश बघेल ने राम वन पथगमन का विकास किया। हिंदुस्तान में किसी ने राम वन पथगमन का विकास नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम भाजपा वाला करता है तो उनकी भी वाहवा करो, और कांग्रेस वाले करते हैं तो उनकी भी वाहवा करो। कुछ इस तरह प्रवीण तोगड़िया ने भूपेश सरकार के कामों की तारीफ की। तोगड़िया ने ऐसे वक्त में भूपेश सरकार की सराहना की है जब प्रदेश में धर्मांतरण, हिंदुत्व और आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया का बयान अब बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ता दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब तोगड़िया जैसे हिंदुत्ववादी नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस को कैसे घेर पाएगी। हालांकि सीएम भूपेश ने तारीफ करने पर तोगड़िया को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम की बात किए, गाय की बात किए, लेकिन कभी गौ सेवा नहीं किए उन्होंने। गायक नाम से वोट मांग लिए जरूर, लेकिन सेवा नहीं की। हमने गोधन न्याय योजना लागू की, 10,000 पंचायतों में हमारे गौठान बने हैं। हमारी अपनी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उसको भी हम लोगों को विश्व के मानचित्र में उभारना चाहिए। तो वो काम हम लोगों ने 4-4.5 सालों में किया है, जिसकी तारीफ तोगड़िया जी भी आया, वो लोगों से अवगत हुए और उन्होंने प्रशंसा के दो शब्द कहे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भूपेश सरकार की सराहना करने पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। तोगड़िया के बयान को बीजेपी उनकी व्यक्तिगत सोच बता रही है। बीजेपी कह रही है कि भूपेश सरकार की योजना के नाम अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनका कृत्य अच्छा नहीं है। देखिए, किस बात की तारीफ तोगड़िया जी ने की है मेरी जानकारी में नहीं है, और वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या सोचकर और कौन सी योजना के आधार पर अपना वक्तव्य दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लाके छत्तीसगढ़ के अंदर में और उसको एक भ्रष्ट रास्ते का एक माध्यम बना रही है, ये दुखद है। योजना का नाम अच्छा हो सकता है लेकिन उसके कृत्य अच्छे नहीं है। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन प्रवीण तोगड़िया से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी भूपेश सरकार के कामों की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक एक कर बीजेपी से वो सारे मुद्दे छीनती दिख रही है जिसके जरिए वो कांग्रेस को घेरने का प्लान तैयार कर रही थी। चाहे फिर बात हिंदुत्व की हो या आदिवासी नेता नंदकुमार साय को कांग्रेस में शामिल करवाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासत में धाक तो जमाई है, यही वजह है कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम की तारीफ करते हैं तो कभी कट्टर हिंदू कहे जाने वाले प्रवीण तोगड़िया भी मुख्यमंत्री के मुरीद होते हुए अब नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शख्सियत में हिंदुत्व की छाप देखी। यही वजह है कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने भूपेश बघेल की तारीफ कर डाली। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगे हाथ तोगड़िया की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद भी दिया। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ उस वक्त हुई है जब बजरंग बली बनाम बजरंग दल विवाद कांग्रेस को निशाने पर ला रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल इस मुद्दे पर यह कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो कर्नाटक की तर्ज पर यहां पर भी बैन पर विचार किया जाएगा। जाहिर है हिंदूवादी ताकतों के लिए यह बहुत बड़ा संकेत था। उसके बावजूद तोगड़िया का भूपेश बघेल की तारीफ करना कई सियासी मायनों को जन्म दे रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। तोगड़िया का चेहरा कट्टर हिंदूवादी ताकतों के रूप में जाना जाता है। भाजपा के करीबी होने का उन पर कई दफा प्रमाण भी आ चुका है। विहिप जैसे संगठन से जुड़ने के बावजूद भूपेश बघेल के कामों की तारीफ करना, राम वन गमन पथ और कौशल्या माता जैसी कवायद को सराहना, क्या कुछ संकेत दे रहा है? इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि क्या भूपेश बघेल अब हिंदूवादी चेहरे के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अमित साहू जी के पास चलता हूं। अमित जी, हम लोग जब बोलते थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आप लोगों के हाथों से वह तमाम मुद्दे छीन लिए हैं, खासतौर से राम, गाय, गोबर, तो आप लोगों को यकीन नहीं होता था। अब तो तोगड़िया जी, जो कि आपके हिंदूवादी एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ कर डाली है, अब तो मानना होगा कि आपको अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। अमित साहू जी, देखिए, कुल मिलाकर प्रवीण तोगड़िया जी पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे हैं, उस समय उनकी बातों का एक महत्वता था, हर एक कार्यकर्ता मानता था,
कि प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने ये कहा, प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने वो कहा, मगर आज वर्तमान के समय में वो विश्व हिंदू परिषद के वो नेता नहीं रहे, मगर अब उनके इस प्रकार से बयान अगर वो दे रहे हैं तो उनका निजी हित होगा या उन्हें मालूम नहीं होगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से दिखावा छलावा और ढोंग रचने के अलावा कोई कार्य ही नहीं कर रही है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो इस देश में उन्होंने ऐसी बात कह दी हो, अगर वो तह तक जाए, अगर उनको जानकारी हो छत्तीसगढ़ की वर्तमान की स्थिति परिस्थिति क्या चल रही है, गौवंश किस पायदान पर है, आज छत्तीसगढ़ में सरकार जो दिखावा कर रही है वो वास्तव में है नहीं, तो ये सारी जानकारी शायद प्रवीण भाई तोगड़े जी को नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। तो इसमें इतना ज़्यादा हमको लोड लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है, मगर फिर भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है वो छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ देख रही है। लोड नहीं ले रहे, लेकिन आप लोगों तो ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। अभी तक जो तारीफ मिलती थी वह सियासी तौर पर मिलती थी, लेकिन आज जो हिंदुवादी चेहरे के रूप में एक तरह से मुहर लगी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी आप लोगों, क्योंकि इसके आप लोग जो है आपको लग भी रहा होगा कि आपका जो आइडिया था वो छत्तीसगढ़ में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। नितिन जी, आपके इस डिबेट के शीर्षक का ही नाम है कि तोगड़िया को भूपेश पसंद है। भूपेश सभी को पसंद है भाई, काम करने वाले व्यक्ति हैं इस प्रदेश में, जहां पर धर्म को, संस्कृति को, हमारे कल्चर को सहेजने का संभालने का काम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बिल्कुल वो प्रशंसा के पात्र है। और मैं खुले दिल से प्रवीण भाई तोगड़िया की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कामों की तारीफ की है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि गौवंश के लिए छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं ऐसे पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। उन्होंने राम वन गमन पथ की भी बात की, किसानों की भी बात की, तो वो काम की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रवीण भाई तोगड़िया ने की ऐसा नहीं है, इसके पहले नरेंद्र भाई मोदी ने भी अभी हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री की गौधन न्याय योजना की तारीफ की, नितिन गडकरी ने तारीफ की, केंद्रीय संसदीय समिति ने, केंद्र की संसदीय समिति में संसद में यह प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार की जो छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही है इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, ये उन्होंने अनुशंसा भी की थी। तो लगातार प्रशंसा हो रही है, पुरस्कार भी मिल रहे हैं, तो इसमें यदि प्रवीण भाई तोगड़िया ने प्रशंसा की तो मैं उनको थैंक यू कहूंगा। पर भाजपा यदि ये कहती है कि उनका प्रवीण भाई तोगड़िया से कोई वास्ता नहीं है तो ये बात मेरी समझ से परे। उचित जी, प्रवीण तोगड़िया के बयान का क्या सियासी मतलब निकाला जाना चाहिए? अगर वाकई में एक तारीफ है तो फिर यह कांग्रेस के लिए कितना बड़ा एडवांटेज आपको लग रहा है? उचित जी, देखिए मैं तो उसको तारीफ कहूंगा, क्योंकि तोगड़िया जी एक कट्टरवादी हिंदू के रूप में पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, तो निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने कहा ये तारीफ उनकी वो उसके योग्य भी है। जहाँ तक आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से काम किया है और भूपेश बघेल जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर है अपनी ही पार्टी में, अगर आप पूर्व में जाएं तो राजस्थान अधिवेशन में जो इनके हुआ था उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ पूरी राष्ट्रीय पार्टी को एजेंडे में उस तरफ डाल रहे थे, डालने की कोशिश उनकी थी, उनका सुझाव था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी रेडी थे, कुछ साउथ के लोगों ने उस बात से एग्री नहीं किया, ये बात अलग है, लेकिन वो अपनी पार्टी में सॉफ्ट हिंदुत्व के झंडा बरदार तो है, ये बात सत्य है। और उन्होंने वो काम भी अपने प्रदेश में किया, जाहिर है जब राष्ट्र में चाहते हैं तो राज्य में भी उन्होंने किया। राज्य में उन्होंने जिस तरीके से नरवा गुरुआ बाड़ी गाय को लेके जो पूरे भाजपा के जो मुद्दे थे, भाजपा की जो फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के पास थी उसको अपने पास खींचने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वो खुद से करने को तैयार है। एग्जांपल मैं आपको दूं कि कश्मीर फाइल जब विरोध हो रहा था तो वो खुद ही अपने सभी लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ खुद कश्मीर फाइल देखने गए थे। तो ये उदाहरण है। वो अभी आप देखिए कि हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ रहे हैं या बजरंगबली की चालीसा यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसी जगह नहीं देना चाहते जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर सके। वो राष्ट्रवाद चलाते हैं, ये राज्यवाद चलाते हैं, ये बात भी सत्य है। वो राज्य की छत्तीसगढ़ की अस्मिता से बात को जोड़ कर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद भूपेश बघेल जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें तो उनके पूरे के पूरे जितने भी एजेंडे हैं उसको भूपेश बघेल ने, चाहे वो कौशल्या माता मंदिर हो, गाय हो, आरएसएस ने भी खुद उनकी तारीफ की हो, आप रामगमन पथ हो, कृष्ण कुंज हो, तमाम वो चीज़ें आप देखिए कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जोड़ती हैं एक आम आवाम को, वो उन्होंने अपने पास लाने की कोशिश की है और वो भी उसके पक्षधर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको इन 5 सालों में करने का जो उनकी जो कोशिश है, तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में इसको आप एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देख सकते हैं और एक सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्षधर मैं उनको मानता हूँ। अमित जी, राम के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में काम तो हुआ है, यह भले आप स्वीकार करें ना करें,
पर उस पर एक तरह से मुहर जरूर तोगड़िया जी ने लगा दी है, यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है माना जाए? नहीं, बिल्कुल कोई बड़ा झटका नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनता अपने आंखों से देख रही है किस प्रकार से काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कहने और दिखने में फर्क नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जो वर्तमान में वास्तविकता धरातल पर है वो दिख रही है छत्तीसगढ़ की जनता को, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी ने भी प्रशंसा की थी तो क्या उनको भी नहीं पता है क्या? नितिन गडकरी को क्या नहीं मालूम है? इसका मतलब आप ज्ञानी हो? ये सारे ये तो आप लोगों की कर्तव्य है। दूसरा दिखावे, दूसरा इसमें परसेप्शन, आप लोग माहिर हो, उसी में जिंदा हो कांग्रेस। लो अबे सब खत्म कहानी। अरे आप लोगों की कहानी, अरे दूसरों के एंड पे आ चुकी है भाई, इसलिए छटपट आ रहे हो। ये पूछताछ ये दिए तब तक बाबा जी से फर्क करने पर उस प्रकार लोग पर कुछ काम करके दिखाओ। नितिन जी, बजरंग दल को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख अलग है। जो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था उसके ठीक बाद प्रवीण तोगड़िया का राम के मुद्दे पर तारीफ करना, क्या ये एक संयोग है या फिर कुछ और? नितिन जी देखिए, बजरंग दल के विषय में सीधी बात है, मुझे कोई एक काम बता दें जो बजरंग दल वालों ने किया हो, अच्छा काम किया हो। धर्मांतर रोकने का काम किया, ए भाई रोकने का काम किया। क्या जिहाद, क्या जिहाद, आप दिख रहे क्या? क्या आसन लोग हैं क्या? बोलता आप आसन लोग हैं क्या? लो और दूसरे भी राजनीति करते हैं। आप दिखेगा नितिन जी अपना अपना समय पे बोलिए तो सुनाई भी देगा और लोगों को समझ में आएगा। नितिन जी आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर उचित जी के पास मुझे जाना जी। देखिए बजरंग दल के विषय में मैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने सच्ची बात कही तो कड़वी लगी, कड़वी गोली लगी एकदम, ये उठने लगे। मैंने तो सीधा सिंपल सवाल पूछा भाई, बजरंग दल ने क्या किया देश में? कुछ नहीं, गले में केसरिया गमछा डालकर बहनों की रक्षा किया बजरंग दल ने, मैं छुपता बजरंग दल ने धर्मांतरण रोका है बजरंग दल ने। अरे आपकी सरकार है, अरे सरकार है, ठीक है मैं चर्चा करूँ गौ सेवा पे। जी 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 नितिन जी, नितिन जी पंडित जी जी, एक मिनट लेने दो, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना भी चाह रहा हूँ, पूछना भी जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एटा में 18 गायों की गौशाला का ताला तोड़कर अंदर घुस के कल हत्या कर दी गई है। उचित जी, यह क्या इलेक्शन रूट कहा जा सकता है जिस रूट पर चुनाव लड़ा जाएगा? बजरंग दल राम को लेकर तारीफ, ऐसा नहीं लगता सबका एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ाव नजर आ रहा है? और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग को लेकर कुछ संशय जरूर नजर आ रहा है। इस तरीके का जो राजनीतिक धर्मांतरण भी बोलो, धर्म की बात बोलो, अब चुनाव पास में दोनों पास आपको देखने को मिलेंगे, ये तो आप शुरुआत देख रहे हैं, आने वाले समय में इस तरीके की बात होगी। लेकिन जो मुख्य पिच है जिसमें भारतीय जनता पार्टी खेलती है, भगवा हो, गाय हो, धर्म हो,
उस पिच पे भूपेश बघेल खुद उनको खेलने नहीं दे रहे हैं, उस पिच को भी वो अपने पास लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी बॉल में भी वो चौके छक्के मार दे रहे हैं। तो हकीकत में जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाना चाह रही है वो मुद्दा उनको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल उनके ही जितने भी एजेंडे हैं जो धर्म को लेकर हैं, राष्ट्रवाद को लेकर हैं और जो अन्य गाय को लेके हैं, नरवा गुरवा उसकी योजना को लेके, तो उनसे उनके काम को वो खुद मतलब उसके लिए उनकी तारीफ हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो धर्म के नाम पे तो कम से कम खेलने नहीं दे रहे हैं, गाय गोबर के नाम पे तो खेलने नहीं दे रहे हैं, गौमूत्र के नाम पे तो खेलने नहीं दे रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि एक सुलझे हुए राजनीतिक एक एक्सपीरियंस वाली बात है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा इस पर करके दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ये भी देखिए कि इन्हें वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जो ये जो मुख्य मुद्दा है, जो धर्म का मुद्दा है, जो इनका तुरुप का पत्ता है, जो एक चला हुआ कार्ड है, जो सभी राज्यों में कोशिश करते हैं, आप देखिए कर्नाटक में कितने अच्छे ढंग से वो अपनी पिच पे कांग्रेस को लेके आ गए, उन्होंने 20 मैनिफेस्टो में से वो पॉइंट निकाला जिससे वो कैश करा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उसको कैश कराने की कोशिश कर रही है। अब हम उसके राजनीतिक कई मायने निकाल सकते हैं कि बजरंग दल से उसका क्या मतलब है, वो बात अलग है कि यही बजरंग दल है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी भत्सना की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस से इसकी शिकायत की थी, ये वही बजरंग दल है जिसको वाशिंगटन पोस्ट ने नाजी और जर्मनी के लोग भी कहा है, वो कट्टर हिंदूवादी लोग कहा है, वो उन्होंने ने कहा है, ये मेरा कथन नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर कोई बातें होती है तो सोशल पुलिसिंग जो बजरंग दल करती है जिसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, जो संविधान का काम है लोकतंत्र में, वो अपने हाथ में कानून, देखिए कितना सुलझा हुआ बयान सीएम साहब ने दिया था कि कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो कोई भी हो, उन्होंने बजरंग दल का भी नाम लिया और अन्य कोई भी दल हुआ तो भी वो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने टारगेट बजरंग दल को नहीं किया, या हम ये तो ये हम इशू बना रहे हैं, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसके बाद उस मुद्दे को वो कैसे ना कैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं दिख रहे, आप देखिए कि ये सम्मेलन वाले मुद्दे नहीं दिख रहे, शराबबंदी के मुद्दे नहीं दिख रहे, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कैसे वायदे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी उसमें नहीं खेल रही, वो वही विषय चुन के लेके आएगी जिसमें इनको बहुत 75 मार्क्स मिले हो, जिसको हम लोग जब पढ़ते थे तो जो हम लोग कहते थे ना कि जिसमें डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हुए, तो अन्य मार्क्स में इनको 55-60 मिले हुए हैं, लेकिन जब धर्म वाली बात होती है तो इनको 75 वो डिस्टिंक्शन प्राप्त है। तो अपने पिच पे लेके आके पूरे चुनाव को कराने की चेष्टा कर्नाटक में भी हुई है, कोशिश है, और छत्तीसगढ़ में भी होगी। भूपेश बघेल कितना उस योजना में या किन किन की प्लानिंग में फंस पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। वैसे ये तुरुप का पत्ता है भारतीय जनता पार्टी का। अमित जी, राम का मुद्दा तो गया आपके लोग के हाथ से, अब किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे छत्तीसगढ़ में? अब आप लोग हो सकता है ये कहेंगे कि हमने कोई छत्तीसगढ़ में राम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं, हो सकता है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा कह दें, लेकिन केंद्र में तो राम के मुद्दे पर ही आप लोग चुनाव लड़े और सत्ता पर आए थे। अमित जी देखिए, राम सदैव हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, प्रभु श्री राम हमारे थे, अरे हम सच्चे हमारे थे, ये हमारे थे, हमारे ही है, ये क्या बात कर रहे हो यार, आपने राम उचित सरकार की है, आपके भी अधिकारी ने राम चरित्र का नाम लेने कामदेव जी की कहीं नकार दिया, टीवी में किस हैसियत से दर्शक लोग देख रहे, राम सत्य है, ये तो शुरू बोलते वैल्यू नहीं है, राम हमारे हैं, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, राम है, हम राम राम जी का वंश है, हर व्यक्ति का राम जी का स्थान करने का भारत की संस्कृति में उनके आशीर्वाद करके काम करते हैं। नितिन जी आप बोलते काम, जी नितिन जी कंप्लीट कर लीजिए, मैं जी फिर मैं आता हूं। जी जी मुद्दा हमारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ की चुनाव में इनके जन घोषणा पत्र को लेकर घूमेंगे, इनके भ्रष्टाचार को लेकर घूमेंगे, इनके दलाली को लेकर घूमेंगे और इनके 40% कमीशन अभी कर्नाटक में मिल जाएगा, जवाब भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। नितिन जी एक बात आप ये बताइए कि राम के मुद्दे पर, राम को लेकर आप लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, कौशल्या माता मंदिर बना रहे हैं, लेकिन उनके भक्त हनुमान से आपको क्यों परहेज है? हो सकता है बजरंग बली से परहेज ना हो लेकिन बजरंग दल से तो है, और बजरंग दल भाई बजरंग दल बली के नाम से ही तो बजरंग दल का नाम आया है, उन्हीं के नाम से ही तो बना है ना बजरंग दल, भगवान के नाम पर किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाने है, बजरंग दल हर्ष के नाम होता है, उनके नाम जिहाद होता है, दल के नाम पर होता है, नहीं कर रहा तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, दर्द है इनको, दर्द है इनको, इसलिए बजरंग दल उनके खिलाफ काम करेगा, अरे कानून के खिलाफ नहीं, अरे आप धर्म हासिल कराने वालों के पक्षधार हो, जिहाद लोगों के पक्षधार हो, हम सभी के भाई के हनुमान जी आज सभी के घर में आ चले हैं, किसी और हिंदू के घर में ऐसा नहीं होगा, अरे चिंता नहीं है, बलि बजरंगी नहीं है, बजरंगी दल बना उसके नाम पर, उसके नाम पर
भी अमृतियों आत्मियों अनुपात को बजरंग बली दो, हम बजरंगी भूखेंगे, बजरंग बली ही भूखेंगे, बजरंग बली साथ मेरा लेकर हमारे वायर से ना जरूर काम करता है, ये तो हमारी धर्म में, ये हमारी संस्कृति में, ये हमारे की कल्चर में, हिम्मत जय बजरंगबली, बोलो नहीं है जय श्रीराम, अरे गिरी चरण जय हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमिया वो रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बोलो, इससे कुछ नहीं होना है, अरे ढोंग के बस ढोंग नहीं, ढोंग तो आपने ढोंग, अरे टोपी, अरे राम का चक्कर में हिंदू समाज को भूल जाते हो, इससे नहीं जाने का राम के बजाय मार्ग पर चलो, धर्मांतरण बनाने वाले की का बताए मार्ग पर चलो, स्वीकारो स्वीकारो धरातल से जल्दी तक चुके कांग्रेसियों, स्वीकार लो अब इस चीज को, बजरंगी खूब देंगे आपकी लंका, निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान तेरी के कारण सकल सुप्सिद्ध करे श्री हनुमान जी, बजरंग बली। उचित जी, चुनाव धर्मांतरण सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा ऐसा तो लग ही रहा था, अब जिस तरह से बजरंग और राम का मुद्दा भी आ गया, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कम्युनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा ट्रेंड तो यूपी का रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहले कभी ट्रेंड रहा नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, ऐसा लगता है कि यही सब मुद्दे ही रहेंगे। अपनी पहले भी जीरा डिबेट हो चुकी है कि ये कोशिश जरूर है, राजनीतिक दल इसको कोशिश जरूर करेंगे कि ये धर्म के तौर परिवर्तन करके ले जाए, लेकिन हकीकत जो मैं बयां कर रहा था आपको कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी मुद्दा है, भत्ता है, शराबबंदी है, भ्रष्टाचार है, ये सम्मिलन वाली बातें हैं, इन तमाम चीज़ों पे बातें होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नहीं होगी। वही दूसरा कि ये जो बजरंग दल को लेके इशू आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर चाहे आप कर्नाटक में कहें, छत्तीसगढ़ में, ये जो है इन्होंने उस तार को छेड़ा है जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, इसका जो है पूरा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी इसका लेके चली आएगी, और भारतीय जनता पार्टी ये खुद तय करते हैं कि कौन से मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी बड़े स्मार्ट प्ले करती है, बड़ी उस्तादी के साथ इस कार्य को करती है कि आप कौन से मुद्दे उठाए तो हम भावनाओं के साथ रह सके, ये उनका एक यूएसपी है, ये उनका तुरुप का पत्ता है भारतीय जनता पार्टी। हकीकत ये है कि वो चाहेगी कि विकास की नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं, धर्म के नाम पे हम बात करें तो भ्रष्टाचार अपर हैंड हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जिसका राजनीतिक लाभ उसको मिलेगा निश्चित तौर। उचित जी, ऐसा नहीं लगता कि कल बजरंग के मुद्दे पर बयान देकर बहुत जल्दबाजी हो गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई जरूरत थी नहीं उस मुद्दे की, मुझे जो लगता है जी। आपने सही कहा, कर्नाटक में भी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है, ये देश, ये देखिए, बजरंग दल को आप इतना गलत नहीं ठहरा सकते, आप बजरंग दल को इतना असंस्कारिक नहीं कह सकते, संस्कार उनके हैं, उन्होंने भी धर्मांतरण रोके हैं, उन्होंने भी कई ऐसी जगह काम किए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की रक्षा को लेके हो, चाहे वो मथुरा मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेके, उसकी सुरक्षा को लेके, तो आप उन्हें पीएफआई जैसी संस्था के साथ बैन करना कर्नाटक में और यहाँ उसके लिए बात करना, निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आने वाले चुनाव के लिए ठीक नहीं। कर्नाटक में जो होगा उसका दुष्परिणाम तो कांग्रेस वहाँ झेलेगी, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी इसको लेके चलाएगी अंततः। नितिन जी, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने आपको अपनी पिच पर लाकर खेलना शुरू कर दिया? आप अपनी पिच पर खेल रहे थे लेकिन आप जबरिया उनकी पिच पर आ गए और अपने हिसाब से वो आपको खिला रहे हैं। एग्जैक्टली, शर्मा जी कह रहे थे कि बजरंग दल ने अच्छे काम किए, बजरंग दल, हमने बजरंग दल का कहीं विरोध नहीं किया है आदित्य जी, हमने बजरंग दल के नाम पर जो गुंडे अपनी गुंडागर्दी चमका रहे हैं, धर्म की रक्षा करना आप लोग के नजर में गुंडा है, बम फोड़ने वाले जिहादी आपके दामाद है, धर्मांतर करा रहे हो, धर्मांतर के पादरी आपके दामाद है, यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ दामाद है, वहाँ जाओ, अरे बजरंग दल का सेवा का क्या है, सेवा भी करो, उसके लिए कानून बना, सेवा भी करते हैं बजरंग दल, सुरक्षा भी करते हैं, संस्कारवान भी है बजरंग दल, हनुमान चालीसा पाठ करती है बजरंग दल, भाई से भाई को बचाओ और सांप्रदायिक दंगे के बजरंग दल, हिंसा दल, हिंदू युवा युवतियों को जिहादियों से बचाने का काम करती है बजरंग दल, धर्मांतरण कराने वाले आज जो ठेकेदार है उनसे रक्षा सुरक्षा की काम करती है बजरंग दल, आप क्या बैन करोगे? बजरंग बली का आशीर्वाद बजरंग दल का, अरे बजरंग बली का आशीर्वाद श्री का आशीर्वाद है, 130 करोड़ जनता को बीजेपी को नहीं, मुझे एक घर बजरंग बली के बजरंग बली की ऊंचाई बजरंगियों के छेड़े हुए बजरंगियों को छेड़े हुए छोड़ेगा नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दे पर शायद चुनाव लड़ा नहीं जाएगा ऐसा लगता है, जिस तरह से बजरंग बली, राम, गाय, गोबर ये तो चल ही रहे थे, अब कहीं ना कहीं कर्नाटक का चुनाव, जो कि हर राज्य का चुनाव बहुत अलग होता है,
उस राज्य की आवश्यकता अलग होती है, घोषणा पत्र अलग होता है, लेकिन कर्नाटक के घोषणा पत्र का जो बिंदु था, जैसे गुरजीत जी ने कहा, बीजेपी बहुत माहिर है, बीजेपी ने कांग्रेस बहुत आसानी से कर्नाटक चुनाव जीतती हुई अभी तक नजर आ रही थी, लेकिन वो एक मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर लाकर कांग्रेस को खिलाना शुरू कर दिया। हो सकता है इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। फिलहाल ऐसे विषयों पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो सांप्रदायिकता के आधार पर। उम्मीद है इसी तरह 2023 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।